को इन बार न्यूज़ में मैं अभिषेक सिंह आप सभी का हार्दिक और अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि श्री ख्वाजा गरीबनाथ चिश्ती की दरगाह का जो 5 नंबर गेट है, जहां पर एक कोई 3 मंजिला पुरानी इमारत है जो कि गिर चुकी है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो, इमारत गिरने के बाद में यहाँ पर इसके अंदर 2 से 3 व्यक्तियों की दबे होने की सूचना है। हालांकि यहाँ मौके पर रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँच चुकी है, जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट यहाँ पर मौजूद पहुँच गए हैं। और जो बिल्डिंग है ये बहुत पुरानी इमारत बताई जा रही थी जो कि ढह गई। 812वां उर्स है जो कि चालू होने वाला है, लेकिन उससे पहले यह हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही एक तरह का दुखद सूचना है। हालांकि इसके अंदर 2 से 3 लोग दबे होने की सूचना है। मौके पर यहाँ पूरा प्रशासन और रेस्क्यू टीम है जो कि यहाँ पहुँच चुकी है और वो अपना कार्य करके सबसे प्राथमिकता जो सबसे पहले दी जा रही है वो अंदर दबे हुए जो व्यक्ति है, 2 है 3 है, वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन रेस्क्यू टीम सबसे पहले वो अपना काम कर रही है। यहाँ जो दबे व्यक्ति है उनको निकालने का प्रयास कर रही है। मौके पर पूरी पुलिस अधिकारी टीम, सिविल डिफेंस, SDRF और कलेक्टर, तमाम प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। अब देखना यह है कि इस बिल्डिंग है जो काफ़ी पुरानी जर्जर अवस्था में बताई जा रही थी जो कि ढह गई है, अब इसको धराशायी होने के बाद इसमें 3 से 4 जने की दबे होने की आशंका यहाँ पर बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम लगातार यहाँ पहुँच के रेस्क्यू किया जा रहा है। प्राथमिकता जो किसी कार्य को दिया जा रहा है वो प्राथमिकता कार्य करने का यही है कि जो अंदर दबे हुए व्यक्तियों की संख्या है जो अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है। लगभग 20 से 15 मिनट इस बिल्डिंग को यहाँ पर ध्वस्त हुए हैं और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर प्रशासन के मौजूद हैं। नगर निगम, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू टीम, SDRF टीम यहाँ पर लगी हुई है। और आपको बता दें कि जो इमारत है आप देख सकते हैं 3 मंजिला इमारत थी जो कि ढह गई, जर्जर अवस्था में इमारत बताई जा रही थी, लेकिन अब रेस्क्यू टीम यहाँ पर पुरजोश कोशिश के साथ में यहाँ पर इस वक्त निकाला जा रहा है। देखो अभी कुछ ही दिन बाद से 812वें उर्स का शुरुआत होने वाली थी। 8 तारीख से उर्स शुरू होने वाला था, उससे पहले यहाँ पर यह हादसा सामने आ गया है और लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं किस प्रकार से रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद है। तमाम जवान और रेस्क्यू टीम के जो कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, वो वहाँ पर लगे हुए हैं और किसी प्रकार से सबसे पहले प्राथमिकता जिस चीज़ को लेकर दी जा रही है वो प्राथमिकता यही है कि कैसे ना कैसे करके अंदर दबे हुए जो 2 से 3 जनों की सूचना आ रही है उनको किसी ना किसी प्रकार से निकाला जाए। यहाँ पर मौजूद में अजमेर कलेक्टर भारती दीक्षित यहाँ पर मौजूद है, पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट मौके पर मौजूद है, तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो जनता का प्रयास किया जा रहा है, सबसे पहले यही किया जा रहा है कि यहाँ पे जो दबे होने के अंदर जहाँ सूचना है उनको बाहर जल्द से जल्द निकाला जाए। मंजिल 3 मंजिला ये इमारत थी, ये दरगाह जो दरगाह गेट के 2 या 30 नंबर गेट के बाहर का है और सिविल डिस्ट्रिक्ट टीम यहाँ पर मौजूद है। तमाम कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और कैसे न कैसे करके जो अंदर दबे व्यक्ति हैं उन्हें निकालने का क्या किया जाता है। मौका की बात यह थी, जो 3 मंजिला जो जर्जर इमारत थी जो ध्वस्त हुई है, क्या इसको निगम के द्वारा पहले नोटिस दिया गया था, सूचना दी गई थी, नहीं दी गई थी, यह एक बात का विषय। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो प्राथमिकता SDRF टीम के द्वारा मौके पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित भी मौके पर मौजूद हैं और तमाम आला अधिकारियों के द्वारा सबसे प्राथमिकता का जो कार्य किया जा रहा है, सबसे पूर्ण किया जा रहा है, वो जल्द से जल्द यहाँ पर जो व्यक्ति दबे हुए हैं उनको निकालने का कार्य किया जा रहा है। इनबार न्यूज़ लाइव के माध्यम से आप यहाँ पर बने रहें और देख सकते हैं आप किस प्रकार से तमाम रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू टीम के द्वारा यहाँ पर जो अंदर दबे लोगों की सूचना है ये अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि कितने लोग हैं, लेकिन पूरी रेस्क्यू टीम सबसे पहले प्राथमिकता देकर यहाँ पर प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले जो बात करना चाह रही है, प्राथमिकता देते हुए लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है। कोई रिनोवेशन का काम चल रहा था या क्या था, क्या कारण है कि देखिए दर्शकों आप देख सकते हैं जिस प्रकार से स्थानीय लोगों से बात करके जाना जाना चाह रहा था कि किस प्रकार से क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या थी जिस चीज़ को लेकर यहाँ पर, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखो तमाम रेस्क्यू विभाग की टीम मौजूद है और लगातार इनका प्रयास किया जा रहा है कि जो सूचना जो प्राप्त हुई है अंदर कितने लोगों की दबे होने की सूचना है ये अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सकड़ा रास्ता है जिसकी वजह से यहाँ पर आवागमन सामने कहीं ना कहीं कमी आती है, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई पहुँच, सब जो निजाम गेट है वहाँ पर तमाम आला प्रशासन खड़ा है, गाड़ियाँ खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है और जो अग्निशामक दल की विभाग की गाड़ियाँ वो भी खड़ी है। गलियाँ तंग होने के कारण, रास्ते तंग होने के कारण यहाँ पर कोई व्यक्ति आसानी से पहुँच नहीं सकता और यदि एम्बुलेंस को भी यहाँ बुलाया जाएगा तो आदमी जो मिलेगा उससे व्यक्तियों के द्वारा ही गेट तक ले जाया जाएगा, क्योंकि गलियाँ काफ़ी तंग होने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार की यहाँ सुविधा नहीं मिल सकती।
फिलहाल मौके पर आप देख सकते हैं रेस्क्यू विभाग टीम, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस लगी हुई है लगातार मलबा हटा के। जो सूचना मिल रही है कि 2 से 3 जने अंधे दबे होने की सूचना है, उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर अजमेर कलेक्टर भारती दीक्षित भी यहां पर मौजूद है, पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट भी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि जो इमारत है ये जर्जर अवस्था में थी, 3 मंजिला इमारत है जो कि ढह गई। तमाम प्रशासन जुटा हुआ है, प्राथमिकता सबसे पहले यही दी जा रही है कि जो व्यक्ति अंदर दबे होने की सूचना है उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए। मौके पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। सभी जो यहाँ लोग हैं, गलियाँ काफ़ी सकड़ी और तंग होने के कारण सबको यहाँ से बाहर की साइड निकाला जा रहा है। हालांकि अब देखना क्या है कि कितनी देर में जो समय निकाल पाती है, इसके लिए देखते रहिए एन भारत न्यूज़। मैं अभिषेक सिंह आमेरा, जय हिंद जय भारत।